ये दिया मैंने खरीदे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इनको मुझे जलाना कैसे है। मतलब इसके टॉप पे मुझे मतलब बत्ती रखनी है। ये देखो, ये जैसे क्या बोलते हैं इनको, मैं इनका नाम भूल गई, इसको क्या बोलते हैं, हांडी, हांडी जैसा लग रहे हैं ये, जैसे। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर एंड एवरी वन इज सुपर बिजी इन डूइंग शॉपिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग द हाउस, बाइंग सो मैनी गिफ्ट फॉर द रिलेटिव। सो आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम। हाउ एवर, इफ आई टॉक अबाउट माई नेचर, आई डोंट लाइक स्पेंडिंग टू मच। मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ें मैं नहीं खरीदती हूँ। ऐसा नहीं होता है मेरे साथ कि मैं मार्केट में कोई चीज़ मुझे जस्ट पसंद आ जाए और जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे लगता है वो फिर ओवर बजट हो जाता है। सो मैं वही चीज़ें खरीदती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। एंड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इस अपनी दिवाली में क्या क्या ख़रीदा, क्या बजट था मेरा इस पूरी दिवाली का। और मुझे लगता है दिवाली इज़ ऑल अबाउट ईटिंग स्वीट्स, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, डूइंग अ बिट ऑफ शॉपिंग। सो इफ़ यू आर रियली एक्साइटेड टू नो हाउ व्हाट आई बॉट इन दिस दिवाली, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द डेकोरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस बार घर को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या खरीदा, और मैं प्राइस भी बताऊंगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने शॉपिंग सही की या मैं लुट गई, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वॉच दिस ब्यूटिफुल रंगोली, बिकॉज आप सब जानते हैं आई हैव अ बेबी जो है अभी 12 मंथ्स का, उसका दो तीन नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है। तो मैं नहीं हूँ इस पोजीशन में कि मैं कलर वाली रंगोली घर पे बनाऊँ, क्योंकि आजकल वो वॉकर में भागता है तो वो 100% 15 मिनट भी वो रंगोली नहीं छोड़ेगा और वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने ये रेड रंगोली खरीदी है फर्स्ट टाइम। इसका क्या है, इसमें सिर्फ स्टिकर हटाना है और आपको अपने फ्लोर पर चिपका लेना है। मुझे ये कलर बहुत प्यारा लगा, बहुत ब्राइट लगा और इट्स लुकिंग सो प्रिटी। एंड डू यू नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल रंगोली, जस्ट ₹99। येस, आई बॉट दिस ब्यूटीफुल रंगोली फ्रॉम रिलायंस एंड इट इज़ जस्ट ₹99 एंड आई रियली रियली लव इट। इसके अलावा मैं खरीद के लाई थी कि ये छोटी सी रंगोली, तो छोटू सी बड़ी प्यारी रंगोली लगी मुझे। इसका कलर देखिए कितना ब्राइट है, इसका डिज़ाइन आप पास से देखिए, और इट इज़ जस्ट ₹49। ये मैंने सोचा था किसी भी जगह पे, छोटी सी जगह जहाँ कोई सूनी सी अगर होगी लाइक दरवाजे पे या मेन एंट्रेंस पे, बेसिकली ये मैंने लिए ली थी। एंड आई डोंट नो ये कैसी निकलेगी, इनकी क्वालिटी कैसी निकलेगी, क्योंकि मैंने कभी पहले स्टिकर वाली नहीं यूज़ की है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। सो एक मैंने ये सिर्फ ₹49 की ये वाली रंगोली ख़रीदी थी। इसके अलावा मैंने जो डेकोरेशन के लिए एक और चीज़ ली थी वो है ये प्यारा सा बंदरवार रैबिट। देखिए मुझे तो ये बहुत ही एलिगेंट लगा, बड़ा ब्यूटीफुल सा लगा। एंड गेट इट इज़ अगेन ₹99, जस्ट ₹99। इसके अलावा ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप सब ने भी अपने घर में इसको यूज़ किया होगा। मुझे ये बहुत ही ठीक लगता है, मतलब आपको कोई फ्लावर्स तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लास्टिक का है एक्चुअली, ये मैंने ऑलमोस्ट खरीदे थे 6-7 मैंने ये खरीदे, ये मैंने बहुत सारे खरीदे थे गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ही ठीक लगा ख़रीदने में। और ये मुश्किल से मुझे ₹50 का एक मिला, और ऑनेस्टली बताऊँ ये लास्ट ईयर ख़रीदा था मैंने। इस साल तो मैंने ये सिर्फ डेकोरेशन करने के लिए निकाल लिया है, और ये मैंने बहुत सारे ख़रीदे थे। लेट मी शो यू, आई हैव सो मैनी एंड आई एम गोना डेकोरेट फ्रॉम दिस। अगर घर से बहुत प्यारी खुशबू आए तो घर और सुंदर लगने लगता है, इसीलिए मैंने ख़ास दिवाली के लिए ख़रीदा है ये ब्यूटीफुल सेंटेड कैंडल। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेश फ्रेगनेंस, और आई डोंट नो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी इसकी खुशबू, बट अभी
I can't tell you, it is so amazing smell, and it is ₹150. और अगर ये मैं एक ड्राइंग रूम में लगा दूंगी तो पूरा ड्राइंग रूम से बहुत अच्छी खुशबू आएगी. यही सोच के मैंने ये बहुत अमेजिंग सी सेंटेड कैंडल खरीदी. एंड आई विल मेक अनदर वीडियो एंड विल शो यू विल टेल यू वॉट इज़ द फीडबैक ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स. लाइक मैंने वो स्टिकर वाली रंगोली ली, ये सेंटेड कैंडल ली, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ली है. मुझे नहीं पता इनकी क्वालिटी कैसी निकलेगी. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. इसके अलावा मैंने ये डियो का एक डब्बा खरीदा था. बड़े फैंसी दिए हैं ये, देखिए. मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इन्हें यूज़ कैसे करना है. मुझे इसको दिए को यहाँ रखना है या मुझे अंदर चलाना है. मैंने ऐसे दिए पहले कभी भी यूज़ नहीं किए हैं. सो मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूँगी और देखूँगी कि इन्हें कैसे जलाते हैं. मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि मुझे इसको दिए को अंदर रखना है या मुझे दिए को टॉप पर रखना है. तो ये तो मैं कोई वीडियो देख के मुझे पता लग पाएगा. फैंसी डियो के नाम पर मैंने बस एक यही ख़रीदे थे. इसमें मुझे कुछ ये ऐसे पॉलीथिन में पैक 6-7 दिए, 6 दियाज मिले हैं, तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट होंगे. इसके अलावा मैंने ये छोटू से दिए और लिए थे. कितने प्यारे, आप देखिए पास से देखिए. इट्स लुकिंग सो इंडियन, सो ऑथेंटिक, बहुत प्रिटी लग रहे हैं ये. सो स्कूल में जो क्राफ्ट का सवाल बनाते थे, अब ये बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग दे रहा था. दैट कलर और उसके ऊपर ये सितारे, ऊपर से ये लेस लगी हुई, बिल्कुल वैसा लग रहा था. सो आई बॉट 6. सो 6 वो दिए लिए थे फैंसी और 6 दिए मैंने ये वाले लिए थे. ये वाले मुझे कुछ मिले थे 100 रुपये के 6. सो मुझे लगा विच इज़ इकोनॉमिकल, इतने कोई मुझे खास महंगे ये लगे नहीं. और या डेकोरेशन में मैंने यही ख़रीदा है. इसके अलावा मैंने धनतेरस के दिन चांदी का कुछ सामान लिया था. मैं आपको दिखाती हूँ वो मैंने क्या लिया था. सो धनतेरस के दिन सिल्वर ख़रीदना बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है. और सच बोलूँ, जब हम छोटे थे तो कितनी बार तो हम नहीं भी ख़रीदते थे. ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स हर साल ही लेते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बहुत बार वो नहीं भी लेते थे, कुछ बर्तन ले आते थे, कोई इवन कभी कभी तो एक चम्मच भी ले आते थे सिर्फ शगुन करने के लिए. लेकिन जस्ट इस बार मैंने कुछ, मतलब मेरा कुछ सेविंग्स की हुई थी, मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने लिए कुछ धनतेरस पे कुछ छोटा मोटा. इस बहाने हमारी ऐसी चीज़ें हम खरीद लेते हैं, वरना रेगुलर लाइफ में हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कुछ सिल्वर जैसी चीज़ों के भी. जनरली हम गोल्ड की रिंग वगैरह ही बनाते हैं. तो मैंने जो ख़रीदा है सिल्वर का, वो हैं ये सिल्वर के हाथी. देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैक्टस. सीखा और ये देखिए बड़े चांदी के हैं ये, और मुझे बहुत ही ठीक लगे. मुझे लगा दिवाली के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट हैं. ये गणेश जी का भी सिंबल है और ये मुझे बहुत रीज़नेबल रेट में मिले थे. बहुत ठोस हैं अंदर से, बेशक आपको शायद देखने में छोटे से लग रहे हों, मगर बहुत हैवी है और बहुत ठोस है. और इट इज़ कॉस्ट ₹5200 में मुझे ये मिला. इसके अलावा मैंने ख़रीदी थी ये छोटी सी कटोरी, ये भी सिल्वर की है. ये बहुत ही मुझे सिर्फ 2100 रुपये में मिली थी. और ये लाइक टीका वगैरह करने में, पूजा में ये चांदी की कटोरी का यूज़ कर सकती हूँ अब मैं. मुझ पे नहीं थी ये पहले. और सो ये दोनों चीज़ें मैंने धनतेरस पे सिल्वर की खरीदी थी. इसके अलावा मैंने डेकोरेशन के लिए एक और चीज़ ली थी जो मैं मेंशन करना भूल गई, जो मैं, क्योंकि वो मैंने कहीं बेड के अंदर रख दिया था, वो मैं बहुत पहले लेके आई थी. सो ये ब्यूटीफुल बेल्स देखिए, ये मैंने बेल खरीदी थी, बहुत ही प्रिटी लग रही है ये. मुझे लगा ये दरवाजे पे, गेट पर टांग कर बहुत सुंदर लगेंगी. ये मैं 4 खरीद के लाई थी. ये मैंने 4 बेल्स खरीदी थी और ये एक बेल मुझे मिली है ₹100 की. तो ये 400 की मैंने ये बेल्स खरीदी और ये बहुत ब्यूटीफुल है. मुझे लग रहा है क्रिसमस पे भी मैं लगा सकती हूँ, क्रिसमस पे भी बेल और मतलब ब्यूटीफुल सा लुक देंगी. सो ये मेरी, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, जस्ट इन होल इन गोल्डन कलर एंड हैव अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप. सी, तो ये सब तो मैंने ख़रीदा था घर की डेकोरेशन के लिए. मगर जैसे
कर्टेन और कुशन कवर, बेडशीट, ये सब चीज़ें भी हमें रिक्वायर्ड हो जाती हैं। सो इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े भी ख़रीदे थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था अपने लिए, व्यांश के लिए, साहिल के लिए और घर के लिए भी मैंने कुशन कवर वगैरह ख़रीदे थे, और आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था उसके अंदर। तो ये सब तो मैंने ख़रीदा था घर की डेकोरेशन के लिए, मगर जैसे कर्टेन और कुशन कवर, बेडशीट, ये सब चीज़ें भी हमें रिक्वायर्ड हो जाती हैं। सो इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े भी ख़रीदे थे, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था अपने लिए, व्यांश के लिए, साहिल के लिए और घर के लिए भी मैंने कुशन कवर वगैरह ख़रीदे थे, और आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदा था उसके अंदर। सो ये मैंने ख़रीदे थे कुशन कवर, सीट इज़ इन ब्लैक कलर, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, ये साहिल की पसंद है। मुझे ब्लैक कलर के कुशन मैंने पहली बार ख़रीदे हैं, और ये देखिए इस पर ये गोल्डन कलर से, हालांकि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है ये, और ओवरऑल लुक क्लासी रहा है, पर मुझे लग रहा था हम ब्लैक कलर के अलावा भी कोई कलर खरीद सकते थे, बट साहिल को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे। सो दी बॉट दिस कुशन, पीछे से दिखाती हूँ आपको पूरा डिज़ाइन। सो इट कॉस्ट मी ओनली 1000 रुपीज़ के, ये मुझे 3 मिले थे, सो लाइक मैंने 2000 के 6 कुशन कवर ये ख़रीदे हैं। सो ये है मेरा फेवरेट, ये मैंने व्यांश के लिए ख़रीदा है धोती कुर्ता, दिवाली उसकी फर्स्ट दिवाली है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये कुर्ता इतना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया। So, ये बहुत प्रिटी कुर्ता है, और इसके साथ मुझे मिली है एक छोटी सी धोती। सो ये धोती कुर्ता मैंने व्यांश के लिए ख़रीदा है, ये मुझे मिला सिर्फ 700 रुपीज़ का, और व्यांश को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो पहन के ये कैसा लगेगा। इसके अलावा मैंने अपने लिए लिए थे 2 सूट जो बहुत ही प्रिटी थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है सिर्फ सूट का मटेरियल, ये मैंने सूट का सिर्फ मैंने मटेरियल लिया था, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, कुछ ऐसा लगेगा, मुझे बहुत पसंद आया ये। इसका ये जो मल्टी कलर डिज़ाइन है, इस बहुत प्रिटी है ये सूट। और इसके अलावा ये एक और सूट मैंने ख़रीदा था, जिसका ये सूट आइडियली मैंने सिर्फ दुपट्टे की वजह से ख़रीदा है, जस्ट इसका आप दुपट्टा देखिए जस्ट अ मिनट, बहुत ब्यूटीफुल है, सिर्फ दुपट्टे की वजह से ये मैंने पूरा सूट। सो ये देखिए ये कितना प्रिटी है ये सूट, और इसके साथ इट इज़ लुकिंग सो फेस्टिव, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो सो ब्यूटिफुल सूट, एंड इट इज़ जस्ट रुपीज़ 1400, ये मटीरियल मुझे सिर्फ 1400 रुपीज़ का मिला, ये वाला सूट मुझे सिर्फ 1300 रुपीज़ का मिला। तो मैंने अपने लिए ये दोनों सूट ख़रीदे थे, ये नॉट ओनली फॉर दिवाली, ये मैंने अपने करवा चौथ पे ख़रीदे थे, तो इसको मैं दिवाली, करवा चौथ, जो भी आप समझो ये आप कह सकते हो। अलावा हमने व्यांश के लिए ली थी ये मैजिक कार, और ये उसके नाना नानी की तरफ से उसका फर्स्ट दिवाली गिफ्ट था, एक्चुअली तो बोले ये हमने नहीं ली थी, उन्होंने दिलाई थी, उन्होंने ख़रीदी हमने थी, पेमेंट उन्होंने किया था, और सो व्यांश को इस बार फर्स्ट दिवाली पर बहुत सारे गिफ्ट मिले, उसके दादा दादी ने उसके लिए कपड़े ख़रीदे, और उसके चाचू ने, वो जो मैंने आपको एक सिल्वर की कटोरी दिखाई थी, वो एक्चुअली उसको चाचा ने, उसके दादी ने उसको गिफ्ट दी है, उसके अलावा उसके नाना नानी ने उसको वो मैजिक कार गिफ्ट दी है। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ ऑल आई बॉट ऑन दिस दिवाली, एंड आई विल मेक अ वीडियो कि ये सारी चीज़ें लगने के बाद कैसी लगेंगी, और
आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और ख़रीदी थी जो गवर्नमेंट ने मना किया है, बट हमें संभाव वो मिल गई। एक पैकेट मैंने फूलझड़ी का भी ख़रीदा था, क्योंकि यार दिवाली पे अगर एक फूलझड़ी तो बनती है, एटलीस्ट व्यांश की पहली दिवाली है, एक फूलझड़ी तो बनती है, तो एक पैकेट हमने उसका भी ख़रीदा था। और दैट्स ऑल इज़ अबाउट माई दिवाली शॉपिंग। एंड मुझे आपके स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था कि मैं आपको हर प्रोडक्ट के रेट बताऊंगी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि मैंने बताए थे या नहीं, अगर किसी के मिस हो गए हो तो आई एम सॉरी। एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, एंड बी सेफ, ईट सुपर अनहेल्दी, क्योंकि दिवाली वाले दिन भी अगर हेल्दी खाओगे तो अनहेल्दी फिर किस दिन खाओगे। सो विदाउट एनी टेंशन ऑफ कैलोरीज, जस्ट ईट व्हाटएवर यू वांट, एंजॉय दिवाली विद योर